Hi, this is Dev Sharma. Welcome to Joinfilms. मैं चाहूं तो ऑन ड्यूटी शराब पीने पर आपकी वर्दी भी उतरवा सकता हूं, लेकिन क्या है ना, हमारे मुजफ्फरनगर में कुत्तों के पेट पे लात नहीं मारी जाती। अच्छे गुंडे महंगे और सस्ते की बातें नहीं करते। बढ़िया, तेरे बाप का राज नहीं चल रहा है, जो जब चाहे जिसकी चाहे जमीन हड़प लेगा। सोचा था प्यार से कोई रास्ता निकल आएगा, लेकिन अब लगता है कि मुझे मेरा ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। बबलू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और जब सारा प्लान बन गया था तो लास्ट मिनट पे फोन क्यों ऑफ किया? फोन बंद नहीं किया, इसके लोगों ने तोड़ दिया। तुम खुश तो हो ना? अच्छा सुन, तू भी ध्यान रखना अपना। ख्याल रखना। रेडी, कम ऑन, रेडी, चल। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सो फ्रेंड्स, हमारे साथ हैं देव शर्मा, जिन्होंने बहुत सारी और बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हुई हैं एज एन एक्टर। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स देव। थैंक यू सो मच। देव, आप एक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं जी, और आप दिल्ली से आए हैं। दिल्ली में आप जब एक्टिंग का प्रिपरेशन कर रहे थे, आप माइंड में क्या चल रहा था कि मुझे एक्टर बनना है, जाना है? कैसी तैयारी चली थी बचपन से? तैयारी तो वेल बचपन से ही चल रही थी। ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं अचानक से मेरे दिमाग में एक्टर बनने का कीड़ा जागा और मैं आ गया यहाँ पे। जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, द जर्म ऑफ एक्टिंग, तो वो हमेशा से था अंदर। और उसका रीज़न ये था कि मेरे जो नाना जी हैं वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD उसमें एज अ डायरेक्टर काम करते थे। तो अलकाजी साहब के टाइम पे ही, इब्राहिम अलकाजी साहब जब थे तो उनके साथ नाना जी उनके साथ एसोसिएट थे और डायरेक्टर थे। वहाँ पे काफ़ी प्लेस डायरेक्ट किए, और वॉइस, स्पीच और योगा, ये तीन उनके फोटे थे जिसपे वो कभी एक्टर्स को ट्रेन करते थे। तो बचपन से ही एक था कि घर में एक्टर्स आते थे दिवाली पे, होली पे, और उनका जो ऑरा होता था ना, वो मुझे एक आम इंसान से बहुत अलग नज़र आता था। अट्रैक्ट करता था, बहुत अट्रैक्ट करता था। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि यार कुछ ऐसा बनना है। तो जैसे जैसे समझ आती गई, वैसे वैसे प्रिपरेशन शुरू होती गई, तो बस यही एक सिलसिला चलता रहा। नाना जी क्योंकि NSD में थे, तो जब भी मेरी समर वैकेशंस होती थी, मैं केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट हूँ, तो हमें 2 महीने की छुट्टियाँ मिलती हैं गर्मियों में, मई जून के अंदर। तो मैं जाता था और NSD में वर्कशॉप्स कर ली। और कभी ऐसा है कि हम मेरी छुट्टियाँ और वर्कशॉप्स की डेट्स मैच नहीं हो रही, तो घर में अपना इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है मेरे नाना जी, तो उनके पास रोज़ 1 घंटे बैठ जाना, वॉइस पे काम करना, स्पीच पे काम करना, पॉजेस कहाँ पे लेने हैं, और उनके एक्सपीरियंस और हर एक चीज़, हर एक डिटेलिंग कितना डिफ़िकल्ट होता है अगर हम बिना समझे किसी काम को करते हैं, और कितना इजी हो जाता है वही काम समझ जब हम उसे समझ के करते हैं। राइट राइट। तो ये चीज़ें उनसे सीखता गया और धीरे धीरे वो एक टेस्ट अंदर डेवलप होता गया कि एक्टिंग में कुछ करना है। तो जिनके पास लोग सीखने जाते थे जी, जो लोगों के गुरु जी थे जी, वो आपके नाना जी थे जी, आप कह सकते हैं ऐसा। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया कि घर में सीखने को मिलना, वो भी इतने बड़े स्तर पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो जब आपने सीख लिया और समझ लिया कि अब हो गया है, तो लगा कि तैयारी पूरी हो गई, अब चलते हैं मुंबई और बन जाते हैं हीरो? तैयारी कभी भी पूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तैयारी अगर पूरी हो जाती है तो हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, वो हंगर खत्म हो जाता है। और एक एक्टर के अंदर, एक आर्टिस्ट के अंदर वो हंगर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो एक क्रिएटिविटी जो है ना खत्म हो जाती है। फिर मुझे पता है कि मुझे ग्लास ऐसे ही उठाना है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि मैं एकदम से उठा लूंगा, मैं कुछ अलग नहीं करने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ। तो क्रिएटिविटी एक चीज़ है जो हमेशा वो आती रहती है, देखते रहते, ऑब्जर्व करते करते। तो कब आए मुंबई आप? मुंबई एक्चुअली मेरा प्लान तो 10वीं के बाद ही था। मैं 10th कंप्लीट करी थी, तो मैंने बोला अब मेरे को लगता है मुझे एक्टिंग में आ जाना चाहिए, लेकिन घर वालों ने और नाना जी ने थोड़ा डरा दिया, बोला नहीं नहीं भाई, वहाँ पे तो ग्रेजुएशन के बिना भाई किसी को एंटर नहीं करते। अच्छा। क्योंकि ग्रेजुएशन तो बहुत ज़रूरी है, ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, और वो भी इतनी परसेंटेज के साथ। हाँ। जबकि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, तो वो करवाया। तो वो मैंने कंप्लीट की, मैंने BCOM ऑनर्स किया आंध्र यूनिवर्सिटी से विशाखापट्टनम में। और ड्यूरिंग दोज डेज मैंने
स्टेज परफॉर्मेंसेस शुरू कर दी थी डांस में, और छोटे छोटे एक्ट स्कूल में कॉलेजेस में करने शुरू कर दिए थे. को करिकुलर एक्टिविटीज जो भी होती थी उसमें सबसे आगे रहना, स्पोर्ट्स हो चाहे आर्ट हो, इसमें मैं हमेशा आगे रहता था. तो वो करते करते जब फाइनली मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का टाइम आया, तो एक दिन नाना जी ने बुला के सीरियस नोट पे पूछा, तो बोले अच्छा कैसे करनी है तेरे को एक्टिंग, क्या प्रिपरेशन है तेरी? मैंने कहा प्रिपरेशन कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता. जैसे कि एक हर बच्चा एक छोटे शहर से आएगा तो उसे कुछ नहीं पता होता कि कैसे बनना है अगर गाइडेंस नहीं है. तो मैं भी बिल्कुल मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि मैं एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ हूँ जहाँ पे बेसिक गाइडेंस देने वाले लोग थे, एक मार्गदर्शक जो होते हैं, तो वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था. तो उन्होंने बोला कि देख दो तरीके हैं, एक ये है कि तू NSD कर, फिर तू FTII कर, और फिर तू मुंबई जा. दूसरा तरीका मैं तेको बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ तुझमें कितना है. तो मैंने जामिया में FTII का एग्ज़ाम भी दिया था, NSD के लिए भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं मैंने सब की, और लकीली मैं दोनों जगह सेलेक्ट हो गया था. ओके. तो वहाँ से वो समझ गए कि ही इज सीरियस अबाउट एक्टिंग. उसके बाद फिर कोई और फर्दर ट्रेनिंग की? हाँ, किशोर नमी जी के पास मैं 6 साल था, उसके बाद 6 महीने था, 6 महीने के बाद मैं नादिरा जी के पास चला गया. नादिरा बब्बर? हाँ, नादिरा बब्बर जी के पास, उनका थिएटर ग्रुप है एकजुट थिएटर ग्रुप. मैं ये बोलूँगा कि आप कोई से भी इंस्टीट्यूट में जाओ या आप घर में किसी से सीखो, आप सीख लेते हो. जैसे कि गाड़ी कैसे चलानी है ये शायद आप मुझे बता देंगे, लेकिन जब तक मैं उसको प्रैक्टिकली चलाऊंगा नहीं तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं कितना पानी में हूँ. तो थिएटर में नादिरा जी के साथ एक्सपीरियंस करने का मौका मिला फिर उस टाइम पे. मतलब ये हुआ कि आने के बाद भी पहला ध्यान आपका भी फैमिली का भी सीखने पे ज्यादा था. जी बिल्कुल, क्योंकि बचपन से ही, और ये मैं एक्टिंग की बात नहीं करूंगा, किसी भी फील्ड में जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हमें कोई लेगा नहीं, राइट, अपनी कंपनी में नहीं लेगा, रिक्रूट नहीं करेगा. तो मेरे लिए ये बहुत क्लियर था कि जिस हिसाब से ग्रेजुएशन की जाती है CA बनने के लिए, आप BCom ऑनर्स करते हैं, फाउंडेशन करते हैं CA का, इसी तरह एक्टिंग के लिए भी उतनी ही तालीम लेना जरूरी है। तो वो उस चीज़ को लेके मेरे दिमाग में ये नहीं था कि यार, क्योंकि 4 साल का कोर्स तो इंजीनियरिंग का इंजीनियर स्टूडेंट भी करता है, तो 4 साल अगर मैंने भी अगर दे दिए सिर्फ सीखने में तो कोई बुराई नहीं है. तो मैं 2009 में आया, मैंने किशोर नीची के पास था, फिर मैंने नादिरा जी के पास किया. तो मुझे उस दौरान कभी ऐसा नहीं लगा कि यार सब लोग मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, और इतने दिन हो गए आके मैंने एक ऑडिशन तक नहीं दिया है, कभी ऐसा फील नहीं हुआ. मैं सीख रहा था, क्योंकि बहुत क्लियरली बताया गया था कि बेटा पहले सीख लेना, दिखाने का मौका बहुत मिलेगा अगर सीख लिया तो. क्योंकि देव, आपके पास वो धरोहर थी कि आपको वो एक्सपीरियंस मिल गया. जी, नॉर्मली मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, आप भी मिले होंगे उस दौरान, उनको जल्दी होती कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाए. जी, कई बार. जी, तो ऐसे आप लोग को भी कई बार लोग दिखे होंगे. हाँ, एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा. वेल, जब मैं आया तो मेरे लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं था घर से. हाँ. मुझे महाड़ा है, यहाँ पे एक जगह है महाड़ा. हाँ. तो वहाँ एक बंगलो में हम लोग रहते थे 15 लड़के. तो मैं ये देखता था कि मेरे से पहले के जो बैच के बच्चे हैं या जो लोग कोर्स कर चुके हैं, वो लोग बड़े परेशान रहते थे कि यार कुछ हो नहीं रहा है, और यहाँ पे ना कनेक्शन चाहिए होते हैं, लिंक्स चाहिए होते हैं, अरे सब सेटिंग है, ऐसा है वैसा है. और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता था कि यार चलो, अगर आपकी ये बात सच भी है और मैं अगर कास्टिंग डायरेक्टर हूँ और मुझे आपको कास्ट करना है, तो मुझे बहुत कमियाँ दिख रही लग रही हैं. तो वो आई थिंक वो आप देख पा रहे हो कि नहीं खुद के बारे में, वो बहुत जरूरी है जानना. एक्चुअली है क्या देव, कि इनको पता नहीं है कुछ. जी. और ये भी नहीं पता कि इनको नहीं पता है. हाँ जी. तो बात ये, इस मामले में मैं ये लकी रहा कि मुझे हमेशा ये पता रहता था कि यार मैं अभी तैयार नहीं हूँ. तो मैं जब तक तैयार नहीं था, मैं सेल्फ जज, मेरे नाना जी और मॉम डैड जितने भी बड़े लोग मेरे साथ रहे शुरू से, उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी समझाई थी कि सेल्फ जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि आप कैसा कर रहे हो, क्या कर रहे हो. आपको पता होगा, अगर आपके पास टाइम नहीं भी है उस चीज़ को इम्प्रूव करने का, आप उसको छुपा सकते हो, लेकिन छुपाने के लिए आपको पता तो होना चाहिए कि भाई चलो तुम्हारी टी शर्ट फटी है, ऊपर से जैकेट डाल लो, लेकिन तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारी टी शर्ट फटी और तुम जाके ऐसे बैठ गए तो कैसे चलेगा. तो ये एक चीज़ थी कि मेरे साथ हमेशा मुझे ये पता होता था कि अभी मुझे और तैयार होना है, अभी थोड़ा और तैयार होना है. तो शायद उसी का नतीजा था कि मैंने मेरी लाइफ का पहला ऑडिशन दिया था, इंडियन आइडल 5 का प्रोमो शूट होना था. ओके. तो उसमें एक सिंगर की जरूरत थी, सिंगर दिखने वाला. मैं दिखाऊंगा आपको, फोटो लगी है उधर. तो मेरे लंबे कर्ली बाल होते थे और दाढ़ी बढ़ाई हुई थी मैंने, क्योंकि सीख रहा था तो ध्यान ही नहीं था ग्रूमिंग के ऊपर. और मैंने वो पहला ऑडिशन दिया था, और पहले ऑडिशन में पहले दिन ही मैं सेलेक्ट हो गया. शाम को मुझे कॉल आया और नेक्स्ट डे मैंने शूट किया. तो मैंने आँख बंद करके, मतलब दिल से, अपने जितने भी बड़े लोग हैं जिन्होंने मुझे गाइड किया, चाहे वो जॉनी लीवर जी हैं, चाहे मेरे नाना जी हैं, चाचा हैं, मॉम डैड हैं,
कि आप लोग हमेशा से सही थे. मुझे जरूर बीच में इन सब लड़कों के बीच में रह के कभी कभी डाउट आता था कि एम आई ऑन द राइट ट्रैक या ये लोग सही कर रहे हैं. लेकिन अब समझ में आया कि उन्होंने इतने ऑडिशंस देके भी कुछ क्रैक नहीं किया और मेरे को शायद पहले ऑडिशन में मिल गया. हो सकता है कि मैं थोड़ा लकी हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं सीख के गया था. आप तैयारी के बाद तैयार होके गए थे जी. अच्छा, आपकी फैमिली में आपको पहले तो मिल गया एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा फायदा जी, फिर माइंड बहुत क्लियर हो गया. लेकिन आपको रहने के लिए कोई सहूलियत और वो फैसिलिटी नहीं मिली? नहीं, वो बिल्कुल नहीं मिली. जबकि जॉनी अंकल ने बोला था कि मेरा मेरे दो तीन फ्लैट हैं, ये खाली रहते हैं, यू कम एंड स्टे हियर. बट डैड का ये कहना था कि ये ना फिर ये स्ट्रगल नहीं देख पाएगा, ये समझ ही नहीं पाएगा कि कैसे रहते हैं, कैसे उठते हैं, क्या मेंटेलिटी होती है. इसको एट द एंड ऑफ द डे कैरेक्टर्स को ही परफॉर्म करना है, वो कैरेक्टर्स तो दिखेंगे नहीं क्योंकि ये आइसोलेट हो जाएगा. तो मैं इसीलिए जाके उस पीजी में रहा था. और मैं बोलता हूँ कि वो भी मेरे लिए एक स्कूल था जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, अच्छी चीज़ें भी, क्या करना चाहिए ये भी सीखा, क्या नहीं करना चाहिए ये भी सीखा. वो भी जाना जरूरी. बिल्कुल बिल्कुल. तो इतने सारे लोग नाना जी से सीख के आए यहाँ पे जी, सब लोग इंडस्ट्री में थे जी, इस्टेब्लिश थे जी, तो इसका भी बेनिफिट मिला होगा? नहीं, इसका बेनिफिट मेरे दिमाग में था शायद मिल जाएगा जब मैं प्रिपेयर हो रहा था दिल्ली में. लेकिन जिस दिन मेरी फ्लाइट टिकट थी तो नाना जी ने बोला, बेटा एक छोटी सी बात है, ये जरा सुन ले. मुझे लगा कुछ ऐसी कुछ बताएंगे. उन्होंने बोला, चाहे वो अनु कपूर जी हो, चाहे वो पंकज कपूर जी हो, चाहे वो सतीश कौशिक जी हो, चाहे वो गोविंद नामदेव जी हो, चाहे अनुपम खेर जी हो, आपको किसी को जाके, चाहे राज बब्बर क्यों ना हो जो उनके सबसे फेवरेट हैं, कि आपको जाके उनसे ये नहीं बोलना है कि भाई मैं आरबी शर्मा जी का पोता हूँ और okay. मैं यहाँ एक्टिंग करने आया हूँ और मेरे लिए कुछ हो तो बताइए. नहीं, क्लियर मना कर दिया. बोला कि मिलना ही नहीं है जाके. जिस दिन तुम देव शर्मा बन जाओगे, जिस दिन तुम्हें लोग देव शर्मा के नाम से जानेंगे, तब अगर तुम उन्हें कहीं टकराते हो या कभी तुम्हारा मिलना होता है और बात निकलती है तो तुम जिक्र जरूर करना कि ऐसे ऐसे बात है, लेकिन उससे पहले मेरा नाम मत लेना. क्योंकि वो बच्चे भी अपनी मेहनत से गए, उनका इंडस्ट्री में कोई नहीं था, ये सब बच्चों ने अपनी मेहनत से जो है अपने मकाम बनाया है. तो मैं ये नहीं चाहता कि आज इन्होंने बना लिया तो अब मैं उनका फायदा उठाऊं. तुम भी वैसे ही जाओ, अपना नाम बनाओ, और अगर तुमने ऐसे बनाया तो तुम लंबी रेस के घोड़े निकलोगे जैसे वो आज तक चल रहे हैं. और ऐसा पूछ के जाओगे तो एक दो जगह काम दे देंगे, उसके बाद कोई काम नहीं देगा. तो मैं थोड़ी देर के लिए तो ये सोच बैठा कि अरे, मैं सोच के गया था कि मेरे साथ इतने सारे लोग होंगे और मैं एकदम से अकेला हो गया हूँ. लेकिन शायद वो अकेला चलना बहुत फायदेमंद रहा मेरे लिए. अगर इन दोनों बातों को जोड़ के देख रहे हैं तो बड़ा अच्छा कनेक्शन है जी. कि एक तरफ तो उन्होंने बोला कि ये सब है वहाँ पे जी, आप किसी से नहीं मिलोगे, आप अपनी पहचान बनाओगे. दूसरी तरफ आपको तैयारी भी करने की समझाइश दी और उस तरह से सिखाते भी गए चीजों को. बिल्कुल बिल्कुल. ओके, तो अब ये जब आपको पहला मौका मिला इंडियन आइडल में, उसके बाद फिल्म्स में चांस मिलने कब से शुरू हो गए? टी सीरीज में किसी चीज का ऑडिशन चल रहा था टी सीरीज के ऑफिस में. तो मेरे जितने भी रूममेट्स थे या जो हमारे बंगलों में हम लोग लड़के साथ में रहते थे, तो उन्होंने बोला, यार कुछ चल तो रहा है लेकिन कुछ ऐसा ही हो रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट कास्ट होती है तो डायरेक्ट सेलेक्ट होती है, जो मेन कास्ट होती है, कुछ सेकेंडरी कास्ट के लिए कुछ चल रहा होगा. मुझे दो बार कॉल आ चुका था जब मैं हैदराबाद में था. तो मैं आया, मुझे उस दिन भी कॉल आया था जिस दिन मैं मुंबई आया तो वापस हैदराबाद से. तो ये भी एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कि मैं आया और क्योंकि हैदराबाद में था तो वर्कआउट वगैरह का टाइम नहीं मिला, तो मैं सीधे जिम चला गया. जिम करके मैं स्टीम रूम में स्टीम लेके जस्ट बाहर आया तो देखा डैड की 5-6 मिस कॉल आई हुई है मेरे डैड की. मैंने बोला, हाँ पता नहीं इतना जल्दी जल्दी तो फ़ोन करते नहीं डैड. मैंने कहा, हाँ जी रेडी जी. और लकीली मैंने उस दिन ना आके ऑलरेडी 2 या 3 ऑडिशन दे दिए थे एड्स के, तो मैं ऑलरेडी टायर्ड अप था और मेरे को लगा था कि चलो आज का दिन मैंने हो गया मेरा. तो बोले, क्या हो रहा है बेटा? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस 2-3 ऑडिशंस थे, दे दिए और बस अभी जिम करके रिलैक्स बैठा हूँ. कहते, अच्छा. और मैंने कहा, और बस कुछ नहीं, एक वो कहीं टी सीरीज से कॉल आ रहा था, पता नहीं कोई छोटी मोटी सी चीज़ के लिए आ रहा होगा शायद, मेरे दोस्त बता रहे थे, तो इसलिए मैंने अभी तो नहीं जाऊंगा मैं वहाँ पे. तो बोले, अच्छा बेटा, तो मैं एक काम करता हूँ, इधर 1 साल की जिम की और ये स्टीम वगैरह लेने की आपकी मेंबरशिप दिल्ली में करा दूँ. मैं समझा ही नहीं कि क्या बोल रहे हैं ये. बोले, अगर जिम करना है और स्टीम लेनी है देखो, तो वो तो मैं दिल्ली में भी करा सकता हूँ ना, उसके लिए मुंबई में क्यों बैठे हो? तो एक्टर बनने गया. वहाँ जिस चीज़ के लिए गए हो उसके लिए लोगों को कॉल नहीं आते, तुम्हें कॉल करके बुला रहे हैं एक ऑडिशन के लिए और तुम बिना जाए डिसाइड कर रहे हो कि क्या हो रहा है. और मैं पूरा हिल गया अंदर से. मैंने उसी टाइम कॉल किया टी सीरीज में जो मुझे कोऑर्डिनेट कर रहे थे, आशीष पांडा नाम है, जो एसोसिएट डायरेक्टर थे यारियां फिल्म के. तो उन्होंने बोला, अरे अगर आप आ गए हैं तो प्लीज़ आइए, आज ही आ जाइए. तो मैं गया और जाके मैंने ऑडिशन दिया. ऑडिशन अच्छा नहीं हुआ था क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था, लेकिन यहाँ रह के और लोगों को देख के, सब चीज़ों को देख के, एक ना कैरी करना एक होता है खुद को, कि वो आ गया था और
लकीली वो जिस तरह से मैं खुद को कैरी करके गया था और जो यारिया में मैंने जो कैरेक्टर प्ले किया नील का जो एक बहुत ही फंकी और मतलब कॉलेज स्टड होते हैं जो जैकेट्स पहनते हैं और थोड़ा लंबे बाल होते हैं हल्की सी स्टबल रखते हैं वो लुक मैच हो गया तो हेड्स ऑफ टू दिव्या मैम को उनको कहीं ना कहीं मुझमें कुछ दिख गया था तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं आज इसको आज के बेसिस पे नहीं जज करूंगी कॉल हिम अगेन आफ्टर टू डेज ओके तो मुझे तो लगा था मुझे बुलाएंगे भी नहीं वापस क्योंकि मैंने इतना बुरा ऑडिशन दिया था लेकिन दो दिन बाद मुझे वापस बुलाया वापस बुला के मैंने फिर ऑडिशन दिया उस दिन मैं थोड़ा सीरियस होके गया थोड़ा सीरियसली ऑडिशन दिया फिर उन्होंने मुझे दो दिन बाद फिर बुलाया तो उस दिन मैंने देखा चार और जने चल के आए हैं मैंने कहा यार कुछ नॉर्मल से ऊपर होता हुआ दिख रहा है इतना सीरियस तो मैंने आज तक कोई ऑडिशन नहीं दिया है ये क्या हो रहा है ये चार जने क्यों हैं और फिर हम लोगों ने कंबाइन एक शॉट दिया जो जिसमें हमारी केमिस्ट्री जज होनी थी शायद पूरे ग्रुप की वो शॉट इतना कमाल का आया कि सामने मेरे उसी दिन शाम को एक कॉन्ट्रैक्ट आया तो मैंने बोला अच्छा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी होता है क्या तो मुझे लगा कोई दो तीन लाइनों वाला रोल होगा या कुछ होगा स्टूडेंट वन ऑफ द स्टूडेंट होगा तो उसमें ऐसे ही बैठा हुआ पड़ा था तो पहली लाइन लिखी थी कि हाय मिस्टर देवांशु वी आर सिलेक्टिंग यू एज वन ऑफ द लीड एक्टर ऑफ यारियां एंड यू आर अंडर थ्री फिल्म कॉन्ट्रैक्ट विद अस तो मुझसे ना आगे पढ़ा ही नहीं जा रहा था मैं बार बार यही लाइन रिपीट करे जा रहा हूँ कि ये क्या लिखा है और इतना मतलब इतना भी बिलीव नहीं हो रहा था मेरे को लग रहा था कि ये गलत प्रिंट हो गया किसी और का तो नहीं आ गया नाम मेरा लिखा है एड्रेस भी मेरा ही है तो उन्होंने बोला एक काम करो बाहर जाओ जोर से चिल्ला के जरा वापस आओ और नॉर्मल होके जरा हम आगे की बात करते हैं मैं लिटरली बाहर गया मैं बहुत जोर से चिल्लाया कि ये क्या हुआ अचानक से आई कॉल्ड माई डैड एंड आई सेड थैंक यू अगर आपका वो कॉल नहीं आता तो शायद आज मुझे ये फिल्म नहीं मिलती तो हर चीज़ की एक कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है और मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए ऑडिशंस हम लोग बोलते हैं कि यार नहीं ऑडिशन कल दे देंगे परसों नहीं कल परसों किसी के लिए वेट नहीं होता हर रोज़ जैसे बच्चन साहब बोलते हैं कि कमरे में एक जना बैठा हुआ आपको हमेशा देख रहा है और जहाँ आप चूके वो आपकी जगह आके परफॉर्म करके आपका रोल ले जाएगा बच्चन साहब आज भी ये बात बोलते हैं तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है सही बात है तो बिल्कुल तो यारियाँ हो गई उसके बाद कैसे कैसे कड़ी जुड़ती गई एक चीज़ मैंने देखी नोटिस की कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर ना हमारा एक बिना दिखने वाला इनविजिबल विजिटिंग कार्ड होता है जो कि होती है आपकी इंट्रोडक्शन फिल्म वो मुझे इतनी सॉलिड मिल गई कि यारियाँ हर इंसान ने देखी थी आज ब्लू है पानी पानी पे हर इंसान नाचा था तो वो एक नाम जो मेरे करियर के साथ जुड़ा उसने भूषण जी और दिव्या मैम की ब्लेसिंग से भीड़ से अलग करके खड़ा कर दिया मुझे और वहाँ से मैंने ये चीज़ नोटिस की कि मैंने जिनको भी अप्रोच किया उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड दिया और यारियाँ रिलीज होने से पहले ही मुझे हीरोपंती मिल गई थी ओके क्योंकि पता नहीं मेरा कहाँ से जिक्र हुआ वहाँ पे और नईम शाह एक जो हैं एसोसिएट डायरेक्टर हैं उन्होंने मेरा कहीं काम देखा था तो ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिसको टाइगर पूरी फिल्म में बचा रहा है और ये टाइगर का लॉन्च है तो सब लोग ये फिल्म देखने आएंगे तो एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और दो ही लड़कियां हैं एक आप लेके भाग जाए तो एक को टाइगर लेके भागेगा लास्ट में मैंने कहा अच्छा तो वो फॉलोड बाय मतलब यारियां हीरोपंती इमीडिएटली मिल गई उसके बाद बस फिर तो उसके बाद से तो लाइन लग गई हैं अब यहाँ ये भी होता है कि निराश नहीं होना चाहिए कई बार ऐसा होता है कि आप 6 महीने एक फिल्म को दे देते हो वो फिल्म बंद हो जाती है रिलीज नहीं होती ये बहुत होता है यहाँ पे तो ऐसा हुआ मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ लेकिन उस टाइम पे मैंने वहाँ पे भी बहुत कुछ सीखा वो जो पैसा आया उसने मुझे बहुत हेल्प की अब जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हो जी उसमें अब कुछ आप ध्यान रखते हो या अच्छा रोल मिला और मुझे करना है या चूज करते हो कुछ अब तो मैं बोलना चाहूँगा कि मुजफ्फरनगर जो मेरी पहली सोलो लीड फिल्म लास्ट ईयर रिलीज हुई है वो एक ऐसा लैंडमार्क बन गई है मेरे लिए कि उसके बाद से मुझे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल ही ऑफर हो रहे हैं अभी मेरी 3 फिल्में कंप्लीट हैं पार्थो घोष जो डायरेक्टर हैं अग्नि साक्षी बनाई है उन्होंने एक्टर ये सोचता है मैं एक्टिंग जैसी करूंगा तो मैं एक स्टार बन जाऊंगा और उसके बाद स्टारडम होगा ग्लैमर होगा जी आपके हिसाब से एक्टिंग के अलावा बाकी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इंपॉर्टेंट है मतलब प्रोडक्शन के साथ होना चाहे डायरेक्टर के साथ कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं अदर देन एक्टिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझ में बचपन से है और ये कोई तारीफ़ करने वाली बात नहीं है ये अगर कोई भी इंसान इस चीज़ को तारीफ़ के हिसाब से बताए तो वो गलत है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बी ऑन टाइम मैं आज तक मेरे स्कूल में कभी लेट नहीं पहुंचा मैं कभी लेट लाइन में खड़ा नहीं हुआ मुझे कभी भी कहीं बुलाया जाता है तो मुझे हमेशा टाइम पर पहुँचना पसंद है मैं
पता नहीं क्यों मेरे अंदर ना ये शुरू से है, अब ये मेरे डैड से आया है, मॉम से आया है, या ये इनहेरिटेंट है मुझे, मैं नहीं जानता, लेकिन इंडस्ट्री लेकिन जरूरी है। ये बहुत जरूरी है चाहे आप किसी भी फील्ड में, और इंडस्ट्री के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके लिए आधा घंटा कोई मैटर नहीं करता, लेकिन वहां जो 300 लोगों की यूनिट वेट कर रही है सुबह, क्योंकि क्या होता है ना, एक्ट्रेस का कॉल टाइम थोड़ा अलग होता है और यूनिट का कॉल टाइम थोड़ा और पहले का होता है, तो वो लोग आके सुबह से बैठे हैं और अगर आपका वेट कर रहे हैं सिर्फ, तो इससे ज्यादा शर्म की बात एक एक्टर के लिए कुछ नहीं हो सकती। कि आपकी पूरी टीम जो आपको अच्छा दिखाना चाहती है, जो आपके लिए काम कर रही है, वो जब टाइम पे आई है तो आप क्यों नहीं आए, तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको चलते रहने देगी आगे तक। आप भले ही परफॉर्मेंस में आप 19 हो 21 की जगह, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, आप अपने टाइम पे आते हैं, आप टाइम पे आते हैं ना, तो अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके पास टाइम है कि अच्छा मेरे से ये हो नहीं पा रहा है, तो मैं किसी के साथ बैठ के समझ लूँ, या मैं इसका कुछ एक अल्टरनेटिव निकाल लूँ। लेकिन आप एकदम लास्ट मोमेंट पे आके खड़े हो गए और आपसे हो भी नहीं रहा है, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, प्रोड्यूसर का पूरा एक दिन खराब हो जाता है। एक दिन में हमें कुछ नहीं लगता, हमें लगता है अरे आधा पौना घंटे तो लेट हुए, उनके लाखों का नुकसान हो जाता है। तो बी ऑन टाइम इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज मुझे ऐसी लगती है कि चाहे, और आई एम श्योर, चाहे वो बच्चन साहब हैं, चाहे वो शाहरुख सर हैं, चाहे वो सलमान खान हैं, चाहे वो ऋतिक रोशन हैं, चाहे वो रणवीर सिंह हैं, कि आप भले ही कितने सक्सेसफुल एक्टर बन जाएं, जो डायरेक्टर है ना उस टाइम कैप्टन ऑफ द शिप वो है बस। तो वो अगर कुछ बोल रहा है तो वो आप जो सोच रहे हैं ना, आप देव शर्मा बन के सोच रहे हैं, लेकिन वो जो सोच रहा है, वो जो आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो कैरेक्टर बन के सोच रहे हैं, तो आपको उनकी सुननी चाहिए, उनके हिसाब से परफॉर्म करना चाहिए, तो आप कुछ मैजिक क्रिएट कर देंगे। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से करते रहेंगे तो आप हर फिल्म में एक जैसे लगेंगे, आप अपना परसेप्शन नहीं रह सकते उसका, क्योंकि उसको एंड रिजल्ट भी मालूम है। हाँ, कि उसका ये असर होने वाला है, आपका विजन वहां तक नहीं जा पाएगा। उनके पास पूरी फिल्म का विजन है, हर कैरेक्टर का विजन है, आप सिर्फ अपने आप को देख के चलो यार मैं ऐसा अच्छा नहीं लगूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, या मैं इसको ऐसा कर देता हूँ। हेल्दी डिस्कशंस आर ऑलवेज गुड, और आजकल के डायरेक्टर्स इतने अच्छे, इतने कूल हो गए हैं। मेरी लास्ट फिल्म हरीश जी, आप लोग तो जानते हैं, तो उनका भी इतना अच्छा नेचर है कि हम लोग हमेशा डिस्कस करते थे चीज़ों को, और अक्सर ये होता था कि हम जो मिलके एक म्यूचुअली जो डिसाइड करते थे वो बहुत खूबसूरत निकल के आता था, क्योंकि उसमें मैं भी वो चीज़ समझ के अंदर ढाल के उसको परफॉर्म कर पाता था, तो मुझे ये नहीं लगता कि मैं बस लाइनें बोलने के लिए बोल रहा हूँ। क्रिएटिव डिस्कशन, क्रिएटिव डिस्कशन होता था। तो बी ऑन टाइम, ऑलवेज कीप योर ईगो असाइड, एंड हमेशा एक इनपुट हमेशा रेडी रहना चाहिए हमारे पास लेने के लिए, कि यार हाँ इससे मैं शायद कुछ अलग लग जाऊंगा। तो ये एक एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है सक्सेसफुल होने के लिए, या कंटिन्यू काम करने के लिए, काम करते रहने के लिए। बिल्कुल आता है। देव, बात करके बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। समय मुझे मालूम है आपके पास कम है, क्योंकि आपने खुद ही ने बोला कि घर तो है लेकिन घर में रहता कम हूँ जी, काम पर ज़्यादा फोकस है। राइट, मुझे आपकी फिल्म का, आपका पसंद का एक डायलॉग ऑन कैमरा बताइए बोल के। मैं चाहूँ तो ड्यूटी पे शराब पीने के कारण आपकी वर्दी भी उतरवा सकता हूँ, लेकिन क्या है ना, हमारे मुजफ्फरनगर में कुत्तों के पेट पे लात नहीं मारी जाती। वाह, इस तरीके से जो है, देखिए यही एक कमाल की बात होती है एक एक्टर में ना, कि छोटा सा 3 लाइन का 2 लाइन का डायलॉग है जी, लेकिन अगर पूरे इंटेंसिटी के साथ बोला जाए तो उसका एक प्रभाव अलग ही रहता है जी, अलग ही आती है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, सेम है, सेम बहुत मजा आया बात करके। थैंक यू भाई, मुझे भी। तो ये थी मुलाकात आज देव जी के साथ, जो कि एक्टर हैं, और बहुत कुछ सीखने को, समझने को, जानने को मिला। उम्मीद है आपको भी मिला होगा। देखिए, अगर मैं कंक्लूड करूं सारी बातों को, तो एक बात समझ में आती है कि तैयारी शुरू से करनी पड़ती है। जो मैं कहता हूं ना आपसे कि मैदान में आने से पहले भी थोड़ी तैयारी कर लीजिए, जो उन्होंने दिल्ली में की, दिल्ली में करने के बाद उन्होंने सीखना बंद नहीं किया, बल्कि यहां पर भी आकर सीखा, दोबारा नादिरा बब्बर जी के पास भी जाकर सीखा, और इस बीच में जब लोग उनको समझा रहे थे, जो कि बहुत सारे यहां पे जो नए कलाकार आते हैं, ये गुट बना के बात करने लग जाते हैं कि बड़ी सेटिंग चलती है, ग्रुपिज्म चलता है, ऐसे ही कास्टिंग हो जाती है, वो उनके साथ भी घट रहा था, लेकिन उस बात को उन्होंने अलग करके सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया और ऑडिशन देने शुरू किए। उनके पास ये जानकारी अवेलेबल थी उनकी फैमिली की वजह से, लेकिन ये जानकारी आपके पास अवेलेबल है जॉइन फिल्म के थ्रू, तो इसका फायदा उठाइए। इन बातों को बिल्कुल मत सुनिए, क्योंकि उनको सिर्फ ऑडिशन से ही काम मिला, अपनी मेहनत से ही काम मिला। और सबसे बड़ी बात इसमें समझने की और सीखने की बहुत ही अच्छी है, वो ये कि जिन जिन लोगों को वो जानते थे इंडस्ट्री में, उनसे भी उनके नाना जी ने मिलने को मना कर दिया था, मतलब नो सेटिंग। और दूसरी बात सीखने को मिलती है कि ऑडिशन सारे देने चाहिए, जो उन्होंने भी माना कि जब वो एक ऑडिशन पे नहीं जा रहे थे और फादर ने बोला कि आपको जाना चाहिए क्योंकि एज एक्टर आप गए हैं, तो सारे ऑडिशन देने चाहिए, उन्होंने दिया और उसका फल भी उनको मिला। तीसरी बात सीखने को मिली कि आपको कई बार शुरू में काम पाने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन उसके बाद आपका काम भी आपको आगे के काम पर ले जाता है, जैसे कि यारियां लेकर गई,
उसके बाद अगर आप प्रोडक्शन के साथ, डायरेक्शन डिपार्टमेंट के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल के रहते हैं तो भी आपका करियर आगे बढ़ता है, भले ही आपकी परफॉर्मेंस कई बार 19 भी जा रही हो। तीसरी बात, एक्सपीरियंस आपके पर्सनैलिटी को बिल्कुल चेंज कर देता है। जब वो यारियां के ऑडिशन के लिए गए तो उन्होंने खुद ने कहा कि उनका ऑडिशन बहुत खराब किया था, लेकिन क्योंकि इतने एक्सपीरियंस हो चुके थे तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी कह रही कि जिससे कि देखने वाले को ये लगा कि नहीं, इसमें कुछ बात तो है, भली परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी। उन्होंने दोबारा चांस दिया और उसके बाद उनको यारियां फिल्म गई। मुझे ये इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी जो आपको सही में सीखनी, समझनी और जाननी चाहिए। देव शर्मा ने इस इंडस्ट्री में जो भी सीखा, जो भी समझा, सब कुछ सिखाया, फिर मत कहना नहीं बताया। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।